और बात करेंगे पौड़ी की, जहां पर डीएम पौड़ी डॉक्टर बिजु कुमार जोगदंडे ने निर्माणाधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रशासनिक कार्यालय पौड़ी का निरीक्षण किया है और इस दौरान डीएम ने निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी भी जताई है। जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है और उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पूरा काम करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी के कलेक्टर बिजय कुमार जोगदंडे निर्माणाधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रशासनिक कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान वाहन पार्किंग सहित निचले तल से ऊपरी तल तक बने कमरों, स्टोर रूम, शौचालय के कार्यों का अवलोकन भी किया है और संस्था पेयजल निर्माण इकाई श्रीनगर के कमरों को टाइल्स लगाने के साथ ही बेहतर दरवाजे और खिड़की लगाने को कहा। साथ ही कहा कि मुख्य कमरों में भी शौचालय बनाया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बेहतर गुणवत्ता के साथ काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान सबसे ऊपरी मंजिल में काम शुरू न होने पर भी संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। पदीय सड़क सुरक्षा समिति का बैठक का आज आयोजन किया गया। इस बैठक में जितनी दुर्घटनाएं हुई है पूर्व में उन घटनाओं के ऊपर चर्चा किया गया है। कुछ स्थानों पर जहाँ बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं वहाँ की डीपीआर तैयार करने का निर्देश पूर्व में दिए थे। आज की बैठक में इसकी समीक्षा किया गया है। सिंडी में जहाँ पे बस दुर्घटना हुई थी उस सड़क का प्रस्ताव भी जो है शासन को प्रेषित किया गया है। इसके अलावा जो बड़े एनएच नेशनल हाईवे जनपद से गुजरते हैं और जो स्टेट हाईवे जनपद में गुजरते हैं उनके बारे में भी समीक्षा किया गया है।